हेलो एवरीवन वेलकम टू के दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीआईबी आई सिंप्लीफाइड सीरीज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ पीआईबी फ्रॉम फर्स्ट में टू सेवेंथ में वी विल सी ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज अप्रैल में करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें हमने न्यूज रेगुलेटरी बॉडी सर्कुलर्स एंड पी को मिक्स कर दिया था बट अब हम पी को अलग से डिस्कस करेंगे बिकॉज रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में सिर्फ पीआईबी का 30 परसेंट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अगर आप फेज़ के के पेपर एनालिसिस के देखेंगे, तो मोर देन 30 अफेयर्स आपके पीआईबी से आरबीआई ग्रेड बी में पी से कैसे सवाल आए थे आप वो वीडियो देख सकते हो आपका पहला सवाल है ग्राम्स आंसर है कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरीट ने सीपी ग्राम्स को स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज किया है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसे आप ध्यान रखो अब सीपी ग्राम्स है क्या सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इसे डिटेल में समझते हैं ये एक वेब इनेबल्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनल पब्लिक पेंशन ने मिलकर डेवलप किया है जो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखना CPGrams एक पोर्टल है जहां सिटीजन अपने ग्रीवां रजिस्टर कर सकते हैं और उस ग्रीवांश की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं एक सिंगल पोर्टल है जहां सारी मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट का जो कंप्लेन है यूनिफाई हो जाता है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के अगेंस्ट कोई भी ग्रीवांश डालते हैं तो आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए आपको गवर्नमेंट के उमंग मोबाइल सिस्टम पर जाना है उमंग एक ऐसा पोर्टल है गवर्नमेंट का जहां आप सारे गवर्नमेंट की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं इसका मोबाइल ऐप है तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप सीपी ग्राम्स को वहीं से एक्सेस कर सकते हैं जब भी आप कोई कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसके इंपॉर्टेंस के कारण ही जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरियट है उसे स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस की तरह किया है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट जो इसमें है उससे उठा करके आरबीआई या CBI या नबार्ड सवाल बना सकता है अंटार्टिक ट्रिटी कंसल्टेटिव मीटिंग आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के साथ मिलकर फोर्टी सिक्स अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को कोची में ऑर्गेनाइज कर रहा है 20th से 30th मई के बीच और वहीं पे 26th मीटिंग ऑफ कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जिसे हम सीपी26 बोलते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसे आप ध्यान रखना अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को डिटेल में समझते हैं ये एक एनुअल मीटिंग है जिसमें 12 जो ओरिजिनल पार्टीज थी स्ट्रेटी की वो पार्टिसिपेट करती हैं साथ ही साथ वैसी कंट्री जिसने अंटार्कटिका के रिसर्च में इंटरेस्ट शो किया हो वो पार्टिसिपेट करता है इस ट्रीटी को पहली बार 1959 में साइन किया गया था जिसका पर्पस ये था कि अंटार्कटिक रीजन को पीसफुल पर्पस के लिए डेडिकेट कर दिया जाए साथ ही वहां साइंटिफिक कोऑपरेशन बढ़ाया जाए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है उस रीजन के थ्रू उस पे भी ध्यान दिया जाए इसमें अब तक टोटल 56 कंट्रीज हैं तो ये आप ध्यान रखना इस ट्रीटी में कितनी कंट्रीज है इंडिया ने पहली बार इस ट्रीटी को 1983 में साइन किया था इसका पार्ट बना था बेसिकली जो कंसल्टेटिव पार्टी होती है इस की तो इंडिया पहली बार 1983 में बना था लेकिन इस ट्रीटी को इंडिया ने ट्वेंटी में इनैक्ट किया है ताकि अपना जो अंटार्कटिका के लिए इंडिया का कमिटमेंट है उसे रिफॉर्म कर सके तो ये भी आप ध्यान रखना 1961 से 1994 तक ये जो मीटिंग होती थी ये दो साल में एक बार होती थी लेकिन 1994 के बाद ये एनुअल मीटिंग में कन्वर्ट हो गई है जो इस बार नाइनटीन मीटिंग हो रही है उसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि अंटार्टिक जो रीजन है वहां सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे किया जाए वहां के रिसोर्सेज के लिए कैसे हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग बनाएं साथ ही साथ लीगल पॉलिसी और बायोडाइवर्सिटी के जो ग्रुप्स हैं उन सब का कोलाबरेशन कैसे हो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए वहां रिसर्च को बढ़ाने के लिए और वहां टूरिज्म को बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए तो ये सारे एजेंडा है इस मीटिंग का इस मीटिंग के थ्रू इन सारे मुद्दों पे डिस्कस किया जाएगा ताकि उस रीजन का हम बेटर यूज कर सकें सस्टेनेबल यूज कर सके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन कोलाबरे विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द क्रिटिकल मिनरल सबमिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटलीशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मिलकर दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल सबमिट को ऑर्गेनाइज किया इस सबमिट में क्या हुआ उसे डिटेल से समझते हैं इस सबमिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें नेसेसरी नॉलेज एंड कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए ताकि कंट्री में क्रिटिकल मिनरल का प्रोडक्शन एक्सेलरेट हो सके उसे बढ़ाया जा सके इस मीटिंग में डिस्कस की गई कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन वाले हैं जो रिफाइनिंग वाले हैं जो इसके यूटिलाइजेशन वाले हैं उन सब में सिनर्जी हो और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया जाए इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस सम्मिट uh, में इस पर जोर दिया गया कि रेगुलेटरी क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्रिटिकल मिनरल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी हमारा ई e वेहीकल और जो भी ई e मोबिलिटी की चीजें बढ़ रही हैं उसमें काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल लगता है स्पेशली लिथियम का नाम आपने सुना होगा लिथियम यूज होता है बैटरीज में तो यह मिनरल की स्कार है कंट्री में तो कैसे इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है उसके लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एंटी डोपिंग रेगुलेशन इन स्पोर्ट्स एंटी डी ने प्लेट्रू कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया था और यह जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके प्ले ट्रू डे के रिकॉर्ग्निशन में था तो इसे आप ध्यान रखना इसको डिटेल में समझते हैं नाडा ने प्ले ट्रू कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था यह शोकेस करने के लिए कि इंडियन एथलीट्स स्पोर्ट्स कम्युनिटी एंटी डोपिंग रेगुलेशन के बारे में थोरो रखती है पेरिस में ओलंपिक में और से या जानबूझकर डोपिंग केसेज में न फंस जाए इसके लिए नाडा एक रिजिलियंट फ्रेमवर्क बना रही है ताकि हमारे एथलीट को अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हम डोपिंग से बच सकते हैं या डोपिंग में गलती से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं नाडा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि इंश्योर करती है कि इंडिया में डो फ्री स्पोर्ट्स हो और वर्ल्ड एंट्री डोपिंग एजेंसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अंदर काम करती है जिसका काम यह है कि हर स्पोर्ट्स में और कंट्रीज के साथ एंटी डोपिंग रेगुलेशन को कोऑर्डिनेट किया जा सके और उसे डेवलप करने में मदद की जा सके तो इसे आप ध्यान रखना इंडिया में जो डोपिंग के लिए या ड्रग एक्स्ट्रा ड्रग लेने के लिए जो एक्ट है उसे भी आप जान लो नेशनल ड्रग्स

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने अभी प्रोविजनल डेटा रिलीज किया है 2023-24 -20 के लिए जिसमें यह पाया गया है कि इंडिया का जो लास्ट ईयर अप्रैल से इस साल फ़रवरी तक मिनरल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ है उसमें 8.2 परसेंट इंक्रीमेंट है इसे समझ इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन शोज दैट इंडियाज मिनरल प्रोडक्शन हैज ग्रोन फ्रॉम लास्ट फिजकल टू दिस फिजकल बाई एट

स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भी आप एडुकेट टू ग्रेड सेवन की वेबसाइट से पेपर टू के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं ये फेज वन और फेज टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में पेपर टू का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज फॉर्म में कवर किया गया है टोटल यहां 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड अकाउंटेंसी का इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है टॉपिक बाइज एमसी न्यूमरिकल है टोटल फाइव प्लस एमसीक्यूज है तो यह कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका अगला सवाल है वॉट सिग्निफिकेंट माइल स्टोन डिट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेलिब्रेट रिसेंटली आंसर है फाउंडेशन डे अभी रिसेंटली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है उसने अपना सिक्सटी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है इसे फोर्टींथ अप्रैल 1960 में स्टैब्लिश किया गया था इस इवेंट में साइंटिस्ट को इनकरेज किया गया कि वो चैलेंजिंग रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करे जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन न्यूट्रलिटी द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है तो इसे आप ध्यान रखना इससे रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं और ये रजिस्टर्ड है एज ए ऑटोनोमस बॉडी अंडर सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860 इस बॉडी के अंदर हर तरह के रिसर्च होते हैं स्पेस फिजिक्स का ओशनोग्राफी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सी एस आई आर इंडिया की कलेक्टिव रिसर्च बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो भी इसके अंदर आता है तो ये सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर काम करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज

फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसमें जो पार्टनर कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं साथ ही साथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं इसका एम ये है कि वर्ल्ड वाइड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को काउंटर कर सकें और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इसे दो में स्टैब्लिश किया गया था

फॉर करेंटली आंसर है रीपे लोन्स टेकन ड्यूरिंग द पैंडेमिक अभी अभी अप्रैल में तक का पैंडेमिकाइएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है वन मंथ का टू लैख करोड़ तो उसके ऊपर ये सवाल है इसे डिटेल से समझते हैं अप्रैल 2024 में जो टोटल जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो 2.1 लाख करोड़ हुआ है और जो नेट जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो वन लाख कोड है कुछ जीएसटी हमें रिफंड करने पड़ते हैं तो टोटल जीएसटी में से जब हम रिफंड माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट जीएसटी आता है इसे आप ध्यान रखना और ये पिछले साल के मुकाबले 15.5 परसेंट का ग्रोथ है तो ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मोमेंटम ले रही है इस कारण से हमें ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है साथ ही साथ हमारा जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है वो भी काफी इफिशियंट हो गया है जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो भी ऑल टाइम हाई कलेक्ट हुआ है हजार करोड़ तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पांच साल पहले जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुई थी तो हम सेस लेते थे ताकि जो स्टेट इससे इंपैक्ट हो रहे हैं उनकी भरपाई की जा सके इस सेस के थ्रू अब इस सेस का जो इस्तेमाल होता है वो जो कोविड के दौरान लोन लिए गए हैं उसे रिपे करने में किया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसे आप ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया है वो देखा गया है मिजोरम में मिजोरम में जीएसटी कलेक्शन का 52 परसेंट ग्रोथ देखा गया है साथ ही साथ असम में 52 परसेंट का ग्रोथ है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं आपका अगला सवाल है जर्मन लिथोग्राफ वेयर इन एग्जीबिशन पीपल एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया रेट्रोस्पेक्ट टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल लेबर डे होस्टेड बाई इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स आंसर है कार्ल इरिक मुलर कार्ल इरिक मुलर की जो लिथोग्राफ्स थे उसे फीचर किया गया जब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ने एक एग्जीबिशन लगाया लेबर डे को सेलिब्रेट करने के लिए तो इसे समझते हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की जो आर्काइव डिवीजन है उसने कार्ल इलिक मुलर की लिथोग्राफ फीचर करी जो लेबर डे पे इवेंट्स हो रहे थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो इसे आप ध्यान रखना जो मूलर्स के लिथोग्राफ थे वो जो लेबर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे और एवरीडे लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे उसे डिपिक्ट करते हैं जैसे कि जो सेवेंटीज में लेबरर होते थे ट्रांसपोर्ट वर्कर होते थे फैक्ट्री वर्कर होते थे फिशरमैन होते थे तो उनको डिपिक्ट किया गया है इस लिथोग्राफ में ये जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट है इसे 1987 में स्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है इसका पर्पस ये है कि साइंटिफिक रिसर्च को और जो आर्ट के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो उसे बढ़ावा दिया जाए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसे आप ध्यान रखना होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग